नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर पे। आज की जो यह वीडियो है, ये हम स्टॉक एक्सचेंज की कुछ टर्म्स हैं, कुछ ऐसी बातें जो इम्पोर्टेंट है, हम उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला है डीमेटेरियलाइजेशन। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। डिमेटलाइजेशन छोटा सा पॉइंट है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत। देखिए, डिमेटलाइजेशन होता क्या है? आज हम सभी जानते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर मार्केट है, वो ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा कंडक्ट की जाती है, ऑनलाइन टर्मिनल के द्वारा उसे रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। क्या ये शेयर मार्केट हमेशा ही ऑनलाइन टर्मिनल से ऑपरेट होती थी? क्या भारत जैसे देश में, जहां इंटरनेट फैसिलिटीज अभी कुछ साल पहले ही थी, क्या उस समय शेयर मार्केट बिना इंटरनेट के नहीं चलती थी? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में हो सकते हैं। इसका आंसर ये है, मैंने आपको बताया कि 1875 में सबसे पहली जो शेयर मार्केट है वो हमारे देश में बनी, जिसे हम आज देश की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। वहां पर इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, टेलीफोन कनेक्शन लेना भी बहुत मुश्किल हुआ करता। 1875 की बात कर रहा हूं मैं। आप सभी जानते हैं कि मोबाइल्स, टेलीफोन्स अभी कुछ सालों से हमारे पास आए हैं, तो इंटरनेट और ऑनलाइन टर्मिनल का होना पॉसिबल नहीं। इट मींस सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी शेयर या सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स, पहले पेपर डॉक्यूमेंट हुआ करते, ठीक है, यानी कि वो फिजिकल फॉर्म में हुआ करते। जिस तरह से हम कोर्ट में जाते हैं, वकील लोग अपने जो है एक तरह स्टॉल सी लगाकर बैठे होते हैं, चैम्बर्स रखते हैं, ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर जो ब्रोकर्स थे वो अपनी एक्सचेंज लगाकर बैठते थे और सर्टिफिकेट्स को फिजिकली डिलीवर किया जाता, और ये सारा का सारा काम जो है फिजिकल पेपर्स के ट्रांजैक्शन पर ही निर्भर हुआ करता। लेकिन वहां पर फिजिकल पेपर्स का चोरी होना, थेफ्ट, और स्पॉइल होना, खराब होना, ये दोनों खतरे बने रहते, ठीक है, ये दोनों खतरे क्या रहते थे, बने रहते थे। और फेक डॉक्यूमेंट्स भी बन जाया करते, ये समस्या उस टाइम बहुत रहा था, ठीक है। अब बात यह है कि मैं ये बातें आपको ना बता रहा हूं, इससे डिमेटलाइजेशन का क्या संबंध है? इसे हम मैक्यूअल बोल सकते हैं, फिजिकल पेपर को, फिजिकल फॉर्म को हम मैक्यूअल बोल सकते हैं। डिमेटलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फिजिकल फॉर्म को क्या किया जाता है, कैंसल किया जाता है, और आपको एक नंबर
यानी कि सिक्योरिटी नंबर एंट्री मिल जाती है, ठीक है। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स अब फिजिकल फॉर्म में नहीं रहे, वो इलेक्ट्रॉनिक नंबर की तरह आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। जैसे आपके रुपए आपके बैंक अकाउंट में आप जमा करवाते हो तो कंप्यूटर में तो नहीं डालते, एक नंबर से ही हम ऐड करते हो सॉफ्टवेयर में कि उसके उस पर्टिकुलर कस्टमर के अकाउंट में इतने, तो ये सर्टिफिकेट कैंसिल करके सिक्योरिटी नंबर जो है डीमैट अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो डीमैट अकाउंट क्या है? एक ऐसा अकाउंट जिसमें शेयर सर्टिफिकेट आपके शेयर सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्रेडिट किया जाता है, जमा किया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं डीमैटेरियलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो मैंने समझा दिया। सो डीमैटेरियलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। डीमैटेरियलाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिक्योरिटीज को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक हो गई बात। वैसे मैंने बता दिया फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल करके उसको इलेक्ट्रॉनिक नंबर दे दिया जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक नंबर ही अब आपकी सिक्योरिटी है। इस प्रोसेस को डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं। लिखना क्या है? होल्डिंग सिक्योरिटीज, ठीक है ना, इन एन इलेक्ट्रॉनिक मोड इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइजेशन। समझ में आ गया होगा? ये बिल्कुल वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं शेयर्स, जैसे आपके बैंक अकाउंट में क्या होते हैं, रुपए होते हैं, ठीक है। ये थी आपकी डीमैटेरियलाइजेशन। उसके बाद डीमैटेरियलाइजेशन के बाद एक और चीज है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होती है? डिपॉजिटरी इट इज एन इंस्टीट्यूशन। ये एक ऐसी संस्था होती है जो हमारी सिक्योरिटीज को होल्ड करती है, ठीक है। इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स आवर सिक्योरिटीज, विच होल्ड्स सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी कि एक ऐसी संस्था जो सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज बोले शेयर्स डिबेंचर्स म्यूचुअल फंड्स, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाए, ठीक है। तो वो क्या है? आपकी डिपॉजिटरी। जैसे बैंक एक संस्था होती है आपके रुपए को होल्ड करने वाली, वैसे ही आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करने वाली संस्था कौन है? डिपॉजिटरी है। शायद आप समझ गए होंगे कि डिपॉजिटरी क्या है। जो काम बैंक मनी के लिए करता है, डिपॉजिटरी होल्ड करता है आपकी सिक्योरिटीज को, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है बात। ऐसे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटरी में ना आप क्या कर सकते हो, डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, डीमैट अकाउंट के अंदर ही वो क्या होती है, सेव होती है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से ड्राइवन सारा सिस्टम ये चलता है, पेपर वर्क अब इसमें नहीं बचा, केवल और केवल किससे चलता है, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स, ठीक है। भारत के अंदर कितनी डिपॉजिटरी है याद रखे, दो। नंबर एक NSDL, ठीक है। NSDL क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है।
ये भारत की पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। यह जॉइंट वेंचर जैसे IDBI, UTI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के को प्रमोट करती है। दूसरी है सेकेंड लेवल पर CDSL। दूसरी डिपॉजिटरी क्या है? CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, क्या है CDSL? क्या है आपकी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी संस्था है जो प्रमोट की गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड वो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये दोनों जो डिपॉजिटरी है ये इलेक्ट्रोनिकली कनेक्टेड है। ठीक है, और अपना काम जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है कंप्लीट करती है। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से DP जो वर्ड होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दोनों डिमेटलाइजेशन भी और डिपॉजिटरी भी आज के वीडियो में दो ही पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। इसमें दो वीडियोस और बनेगी इस चैप्टर में, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्वस्थ रहे, अपना काम करते रहे, बहुत कम समय बच गया है, CBSE तैयार है पेपर लेने के लिए, एडमिट कार्ड जल्दी आने वाले हैं, लेट है तो आप है, काम अपना रेगुलर करो, कुछ रह गया तो उसे पूरा करो। ठीक है, जो कुछ पिछला रह गया है बार बार वीडियो देखो और इस काम को पूरा कीजिए। अब समय नहीं है उठकर भाग ले, अब समय नहीं है उठकर भाग ले, समय को विचार ले, समय को विचार ले, तू उठकर किताबों को देख ले। ठीक है, किताबों को देख लो, अगर सो रहे हो अभी भी तो अपने निद्रा को जगाइए और काम को कीजिए। धन्यवाद।